हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो ये देख सकते हैं गिरवज की सब्जी बनाया है। आज गिरवज की सब्जी का रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। तो चलिए दिखा रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ हम 2 घंटे के लिए मसूर दाल भिगो दिए हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक और यहाँ हरी मिर्च अमड़ा और जीरा काली मिर्च इसका पेस्ट बना लिए हैं। अमड़ा इसलिए ऐड किया है खट्टा से गला नहीं काटता है। यहाँ पर चावल का आटा, बेसन, हल्दी, नमक ऐड कर दी हूँ। इसको अच्छा से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ ले ली हूँ अरवी के पत्ता। अरवी के पत्ते को अच्छा से ऊपर से जो भी रेशे थे उसे क्लीन कर लिए। उसके बाद इस पे हम लेप लगाना चालू कर दिए हैं। एक दूसरे के ऊपर लेप लगाना है क्योंकि ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, ये निकले ना। तो हमें 5-6 पत्ते का लेप लगाना है ताकि ज़्यादा हमें मोटा नहीं बनाना है। ये छोटा छोटा पत्ता है, बहुत नरम है और बहुत ही अच्छा है। ये इसका बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि गला इसका नहीं काटता है। तो इस तरीके से हमें पतले पतले तरीके से इसे रोल बना लेना है। यहाँ पर मैं रोल बना ली हूँ। यहाँ रख ली हूँ अमरूद के पत्ता। इससे क्या होता है ना, बहुत बार ये होता है कि हमें बॉइल करने के टाइम ये सोचते हैं कि क्या डालें अंदर, तो हम इसलिए अमरूद के पत्ते डाल देते हैं। इससे गला भी नहीं काटता और अच्छा भी रहता है। अगर हम खटाई भी ना डालें ना, इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ हम 1 गिलास पानी ले लिए, इसको बॉइल कर लिए। ये देख सकते हैं कि हो चुका है। इसे ठंडा करके हम इसे पतले पतले उसमें कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मेरा कटा गया, ये फ्राई भी हो चुका है। ये फ्राई कर लिए। यहाँ पर हम सब्जी का रेसिपी रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर फोरन ऐड कर दिए हरी मिर्च, तेजपात, प्याज। इसको अच्छा से हम थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मसाला ले लिए खड़ा, इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसमें मसाले डालेंगे, इसको अच्छा से भूनेंगे ताकि ये कड़वा ना लगे। इसमें हल्दी, नमक ऐड कर दिए, लाल मिर्च ऐड कर दिए, इसको अच्छा से भून लिए। टमाटर भी ऐड कर दिए, इसको अच्छा से भूनना है। देखिए तेल छोड़ चुका है। इसमें हम पानी ऐड कर दिए, ये हो चुका है। जो भी हमने अपना गिरवज फ्राई किया था उसको ऐड कर दिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप जरूर ट्राई करके देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर।